और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता की सीएम को उन्होंने पत्र दिया है। सुशील गुप्ता ने व्यापारियों को मिल रही धमकी के विषय में ये पत्र दिया गया है। हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है, व्यापारी डरा हुआ है, उन्होंने इस पत्र में लिखा है। व्यापारियों से रंगदारी और फिरौती मांगी जाती है, सुशील गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा। अब जन प्रतिनिधियों को धमकी भरे फोन आने लगे हैं, विदेशी नंबरों से आ रहे हैं धमकी भरे फोन। इस बात की जानकारी जो है सुशील गुप्ता ने अपने पत्र में लिखी है। धमकियों की वजह क्या है इसका पता लगाया जाना चाहिए, धमकी देने वाले कौन हैं इसका भी पता लगना चाहिए। और ये मुद्दा जो है गंभीर मुद्दा सुशील गुप्ता ने उठाया है और पत्र में ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये भी सुशील गुप्ता ने लिखा है। हरियाणा के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, हरियाणा में व्यापारी डरा हुआ है, रंगदारी मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, अपहरण किया जाता है, गोली मार दी जाती है। हरियाणा का व्यापारी शांति चाहता है, अब तो जनप्रतिनिधियों को भी धमकी भरे फोन आने लगे हैं। और विशेष बात यह है कि ये जो फोन है अब विदेशी नंबरों से आने लगे। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को कायम करें, हरियाणा के लोगों को सुरक्षा दें। व्यापारी बहुत डरा हुआ है, व्यापारी ताकि यहां पे उद्योग लगा सके, रोजगार पैदा हो सके, सुरक्षा के भावना व्याप्त होना सबसे जरूरी है। मेरा निवेदन है मनोहर लाल जी से कि आप हरियाणा में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें।